मुजफ्फरनगर के विधानसभा चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिकंदरपुर में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री हनुमान जन्मोत्सव पर शिव मंदिर की तरफ से हर वर्ष की भांति विशाल ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो कि गांव के मुख्य चौराहे से होती हुई इमामबाड़ा मोहल्ला एवं प्राथमिक विद्यालय एवं बंजारा मोहल्ला से होती हुई वापस शिव मंदिर पर समापन हुआ। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ध्वजा यात्रा में शिरकत की। राम भक्त जय श्री राम के भजनों पर जमकर युवा झूमे, बच्चे झूमे। शिव मंदिर के पुजारी ने बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि गणों का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सोहनवीर सिंह ने बताया कि श्री हनुमान जन्मोत्सव में हर वर्ष विशाल ध्वजा यात्रा निकाली जाती है, जो कि आज भी निकाली गई है। और उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे हवन प्रारंभ हुआ और उसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सोनवीर सिंह ने आगे कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी पर जिहादियों के द्वारा शोभा यात्रा पर किए गए हमले, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सोनवीर ने कहा, हम बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते। हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ का प्रत्येक बजरंगी धर्म के लिए समर्पित है और अपने भगवान का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। और ये बजरंगी इस देश के लिए समर्पित है, हिंदू धर्म के लिए समर्पित है। जैसे भगवान हनुमान इस राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, अपने धर्म के प्रति समर्पित रहे, इस गांव का बच्चा बच्चा अपने धर्म के लिए समर्पित है। मंत्री देखा गया कि पिछली अभी रामनवमी पर जो हमारी रामनवमी थी उस पर जिहादियों के द्वारा हमले किए गए थे, उनका काम है पत्थर फेंकना, हमारा काम है पुष्प बरसाना। पर जब वे पत्थर फेंकेंगे तो प्रतिक्रिया हम भी देंगे, हम डर के रहने वाले नहीं है। बजरंग दल के चीते हैं अपने दम पर, ये डरने वाले नहीं है कोई। जय श्री राम, बिना बात की किसी को छेड़ने के नहीं, कोई इन्हें छेड़ेगा तो ये उनको छोड़ने के नहीं। बोलिए भारत माता की जय, श्री राम। राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर।